सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, अगर आप ये कोर्स परस्यू कर रहे हो या फिर कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, आपको सारे एरिया का नॉलेज मिल सके और आप एक प्रॉपर डिसीजन एक करेक्ट टाइम पे ले सको. ओके, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब एंड कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे फ्रेंड्स. अगर आप 12th पास हो विथ साइंस स्ट्रीम, देन आप एलिजिबल हो बीएससी जूलॉजी करने के लिए. व्हाट इज़ बीएससी इन जूलॉजी? इट्स एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स. जूलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम. ओके, एंड दिस कोर्स इज ऑफर्ड फॉर द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ एनिमल. सी फ्रेंड्स, सभी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है. किसी को मेडिकल पसंद है, किसी को इंजीनियरिंग पसंद है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक पसंद है. ओके, किसी को डिज़ाइनिंग पसंद है. सबका एरिया अलग होता है. वैसे ही इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनिमल, आपको एनिमल से डर नहीं लगता, जानवरों से डर नहीं लगता, इनफैक्ट आपको उसके बारे में और नॉलेज गेन करनी है, आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ ज़्यादा है, देन ये फील्ड परफेक्ट है आपके लिए. क्योंकि अगर आप जूलॉजी सेलेक्ट करते हो तो आपके पास जो भी एरिया आते हैं आप किसी भी एरिया में जा सकते हो, किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो. ओके, सपोज़ आपको एनिमल से ही डर लगता है, आपको कोई कोई लव अफेक्शन कोई फीलिंग ही नहीं है उनके लिए, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये फील्ड में जाने का आपके लिए कोई यूज़ नहीं होगा. ओके, सो सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डेफिनेटली गो इन दिस फील्ड. द मिनिमम टाइम रिक्वायर टू कम्प्लीट द कोर्स इज 3 ईयर, विच इज़ डिवाइडेड इंटू 6 सेमेस्टर. ओके ओके, आफ्टर कम्प्लीटिंग द कोर्स यू हैव द 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन गो फॉर अ हायर स्टडीज़ और यू कैन डू अ जॉब. ओके, सो वी विल सी 1 by 1 दिस 2 ऑप्शन. आपको अगर हायर स्टडी करनी है तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसकी वजह से कितनी अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है. ओके, एंड जॉब्स भी हम एरिया वाइज सेक्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो पहले हम हायर स्टडीज़ देखते हैं. सी, आफ्टर कम्प्लीटिंग योर बीएससी यू कैन डू मास्टर एमएससी. ओके, इन जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो या फिर अप्लाइड जूलॉजी, एमएससी इन हेल्थ केयर साइंस, मास्टर ऑफ फिजियोलॉजी इन जूलॉजी और एल्स फिजियोलॉजी इन लाइफ साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइफ साइंस और एल्स अगर आपको मैनेजमेंट बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए भी कर सकते हो. सी फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड इन एमएससी एंड इफ़ यू आर कंप्लीटेड योर एमएससी, देन लेटर ऑन यू कैन अप्लाई फॉर फेलोशिप प्रोग्राम लाइक PMRF एंड एक्सेट्रा एंड यू कैन गेन द एक्सपीरियंस अंडर द साइंटिस्ट. सो ये जो आप एक्सपीरियंस गेन करोगे अंडर एक्सपीरियंस साइंटिस्ट, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में. और एल्स आफ्टर एमएससी यू कैन डू CSIR, नेट का एग्जाम आप दे सकते हो और नेट GRF. This is the first class that Saira has actually enrolled for that she's excited about even after 25 classes. She's always like, काय झालं ग वर्षा? I have a coding class and I'm really proud of वर्षा. Her and of White Hat for motivating her so much. Hello? वर्षा, काय म्हणते? वर्षा फोन करते. आवाज येतोय का माझा? आवाज येतोय? ओके, you're available.